शरद कुमार गुट ने कुछ ही देर पहले आधिकारिक तौर पर काटोल विधानसभा सीट से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नाम की घोषणा की, लेकिन उनके बेटे सलील देशमुख के काटोल विधानसभा से नामांकन दाखिल करने की तारीख के पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं। अनिल देशमुख का नाम घोषित होने के बाद सलील देशमुख के नामांकन का यह पोस्टर काटोल से एनसीपी शरद पवार गुट के असली उम्मीदवार को लेकर अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। शुक्रवार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि काटोल विधानसभा से उम्मीदवारी को लेकर पुनर्विचार हो सकता है। देशमुख ने कहा था कि वरिष्ठों और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद मैदान में वो उतरेंगे या उनके बेटे सलील, इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस दौरान सलील देशमुख को उम्मीदवार बनाने की बात पर अनिल देशमुख ने कहा था कि अंतिम निर्णय वरिष्ठों और कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद ही किया जाएगा कि काटोल अनिल देशमुख या सलील देशमुख कौन चुनाव लड़ेगा। वहीं सलील देशमुख को उम्मीदवार घोषित करने की अनिल देशमुख की व्यक्तिगत राय पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। अब सलील देशमुख का काटोल से नामांकन दाखिल करने का यह पोस्टर और एनसीपी शरद पवार गुट के आधिकारिक एक्स हैंडल पर काटोल से अनिल देशमुख का नाम कार्यकर्ताओं में असमंजस पैदा कर रहा है।